नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रुचा गिलहोत्रा। पहला पेश नी चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया क्रिकेट चिप्स ऑफ विकसित भारत वर्चुअल ढंग नाल लिया हिस्सा। नौजवानों नूं संबोधन करदिआं कहा कि भारत वल्लों तकनोलॉजी नूं अपनाउण वल नहीं सगों तकनीकी तरक्की वल ध्यान दिता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अनुसार देश विच 32 करोड़ तो वध गैस कनैक्शनों विच 10 करोड़ तो ज्यादा उज्ज्वला कनैक्शन ने। NIT जलंधर के ढांचागत विकास के प्रस्ताव नूं केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय ने दित्ती प्रवानगी। नागरिकता सोध कानून नूं लागू करन दा पंजाब च कीता जा रहा है स्वागत। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया क्रिकेट चिप्स ऑफ विकसित भारत का वर्चुअल ढंग नाल उद्घाटन किया। इस समागम दौरान प्रधानमंत्री ने 3 सैमीकंडक्टर सहूलतों का उद्घाटन किया। इस मौके देश भर के नौजवानों नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अजोके समय च भारत दुनिया का सब तो वड्डा मोबाइल निर्माता है। उन्हां कहा कि भारत वल्लों कौमांतरी क्वांटम मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वल्लों तकनोलॉजी नूं अपनाउण वल नहीं सगों तकनीकी तरक्की वल भी तेजी नाल ध्यान दिता जा रहा है। उन्हां कहा कि एक पासे जिथे देश गरीबी नूं घटाउण वल ध्यान दिता जा रहा है, उत्थे दूजे पासे भारत विच आधुनिक ढांचे दे विकास वल भी जोर दिता जा रहा है। उन्हां कहा कि स्टार्टअप नाल देश आत्म निर्भरता दे खेतर च अगे वध रहा है। के बस कुछ देश ही आज सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि दुनिया को एक रिलायबल और रेजिलियंट सपोर्ट सप्लाई चेन की सख्त जरूरत है। भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। केंद्रीय पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि देश का हर परिवार मोदी का परिवार है, जिसनू उज्ज्वला सिलेंडर सिर्फ 503 रुपए और आम गैस सिलेंडर 803 रुपए विच मिल रहा है। उन्हां कहा कि 2014 विच देश के ज्यादातर शहरी खेतरां विच 14 करोड़ के करीब गैस कनैक्शन सन अते हुण पिंडां अते शहरां विच 32 करोड़ तो वध गैस कनैक्शन ने, जिन्हां विचों 10 करोड़ तो वध उज्ज्वला कनैक्शन ने। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जदों दुनिया भर विच गैस पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां आसमान नूं छू रहीआं सन अते उन्हां दी कमी सी, उदों वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत विच इस दीआं कीमतां वधाउण दी थां घट कीतीआं अते सप्लाई विच वी कोई रुकावट नहीं आउण दित्ती। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वड्डे देशों विच गैस दीआं कीमतां विच 303% तक दा वाधा होया सी, पर इस दे मुकाबले भारत विच गैस दीआं कीमतां सिर्फ 72% वधियां, यानी दुनिया नालों 231% घट। उन्हां कहा कि मौजूदा समय च जिवें ही दुनिया भर च गैस दीआं कीमतां च थोड़ी कमी आई है, असीं अपणियां भैणां नूं सिर्फ 503 रुपए च सिलेंडर पहुंचा रहे हां। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर परिवार खुश है क्योंकि हर परिवार मोदी दा परिवार है। केंद्रीय मंत्री ने इस दे नाल वीडियो लिंक भी शेयर किया। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट च हल्फनामा दायर करदिआं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की पालना करते हुए हरेक चोन बांड की खरीद की मिति, खरीददार का नाम अते खरीदे गए चोन बांड की कीमत भारत के चोन कमिशन नूं सांझी कर दी गई है।
हल्फनामे विच किया गया है कि SBI वालों सुप्रीम कोर्ट विच हल्फनामा दायर किया गया है अते पासवर्ड प्रोटेक्टेड डिजिटल रिकॉर्ड चुन कमिशन नूं सौंप दिता है। बैंक ने कहा है कि 1 अप्रैल 2019 तो लैके 15 फरवरी 2024 तक 22,217 बॉन्ड खरीदे गए ने। भारत सरकार के सिक्ख्या मंत्रालय ने जलंधर के डॉक्टर BR अंबेडकर नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी के DIB के 240.27 करोड़ रुपए की लागत न ढांचागत विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संस्था ने हाल ही विच इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अते सूचना तकनोलॉजी विच विद्यार्थियों के प्रमाणित दाखले दे नाल संबंधित 2 नवे प्रोग्राम शुरू किए ने। संस्था ने BTEC अते MTEC विद्यार्थियों की कुल मंजूर दाखले नाल डाटा विश्लेषण अते मसनूई बुद्धिमत्ता के कोर्सों का पुनर्गठन भी किया है। संस्था के इस प्रस्ताव विच अकादमिक प्रोग्रामा जिमें कि विभागी इमारतां प्रयोगशालावां विद्यार्थियों लई होस्टल दे नाल नाल फैकल्टी लई रिहायश दियां ढांचागत लोड़ां नूं पूरा करन भी शामिल है। ए ग्रांट भारत सरकार दी उच्च सिक्ख्या फाइनेंसिंग एजेंसी अधीन प्रवानित की गई है जिहड़ी NIT जलंधर दे डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया ने इस प्रस्ताव नूं मंजूरी देने लई भारत सरकार दे सिक्ख्या मंत्रालय दा धन्नवाद किया क्योंकि इस नाल संस्था दे बुनियादी ढांचे दे विकास नूं वड्डा हुलारा मिलेगा। पाकिस्तान तो आए कई हिंदू परिवारों नूं हुण तक भारत की नागरिकता नहीं मिली सी पर केंद्र सरकार वालों नागरिकता कानून नूं लागू करन तो बाद इन्हां परिवारों च आस की किरण पैदा हो गई है। पाकिस्तान तो आए जलंधर के पारको कैंप च रहने वाले साईदास के 18 परिवारिक मैंबर लंबे समय तो नागरिकता का इंतजार करते हुए दुनिया तो रुखसत हो गए ने। अपना दर्द बयान करदियां साईदास ने दसिया कि 1980 च अपने परिवारिक मैंबर समेत भारत आए सन। इस नवे कानून के लागू होना उन्हें पूरी आस है कि हुण उन्हां नूं भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। साईदास ने दसिया कि वह पाकिस्तान के दुल कलां च रहिंदे सन पर उत्थे हिंदू परिवारों से हो रहे अत्याचारों तो तंग आके वह भारत आ गए सन। असी सन 80 दे विच पाकिस्तान नूं इधर इंडिया च आए सन। उत्थे कई मुसलमान कहिंदे हन तुसीं मुसलमान हो जाओ तुसीं ते इत्थे रहो असीं हिंदू धर्म नूं बचांदिया होया असीं अपने देश विच साडा परिवार सन 47 दा भी आया होया सी इत्थे ते असीं सारे चाचे ताए इत्थे आए साडा परिवार आया ते असीं इत्थे आ गए असीं हिंदू अपना धर्म नहीं छड्डना ते असीं आ पाकिस्तान इंडिया जा के ते अपने रहने जाके हिंदू धर्म दे विच ते सानू फिर भी इत्थे आण के असीं पनाह लई है पर साडी किसे सुनवाई नहीं कीती अज तक सानू सिटीजनशिप नहीं मिली। कई सरकारां होईयां ने कई सरकारां बदलियां ने पर साडी सुनवाई नहीं होई सानू नागरिकता नहीं दित्ती गई। साढ़े कोई दोष नहीं ऐसा कोई भी साढ़े तो कोई गुनाह नहीं जिहड़ा असी मतलब असी कीता होवे बिल्कुल असी है ही हिंदू हाँ तो असी क्यों करना वे ते बाकी मोदी सरकार साढ़े वास्ते एक रब बन के आए ने जिन्हें साड़ी सुनवाई की है तो साडा बनाया सानू खुशी हुई है भी सानू नागरिकता जल्दी दिती जाए तो असी रहन दे हकदार हो भी सानू कोई साढ़े तो उंगल ना करे। लोक निर्माण अते बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने हलका विधायक खडूर साहब विच नागोके खडूर साहब गोइंदवाल साहब सड़क की स्पैशल रिपेयर के काम का नींह पत्थर रख्या। इस मौके कैबिनेट मंत्री ने दसिया कि 6.70 किलोमीटर लंबी सड़क विशेष मुरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग भवन के मार्ग शाखा वालों 371.3 लाख रुपए की लागत नाल करवाया जा रहा है। इस सड़क को तकरीबन 23 फुट तक चौड़ा किया जाएगा और इस काम को 6 महीने मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने दसिया कि यह सड़क इतिहासिक नगर खडूर साहब अते गोइंदवाल साहब नू आपस विच जोड़दी है। चोणां विच नौजवानां दी हिस्सेदारी यकीनी बनाउण लई देश भर विच व्यापक वोटर जागरूकता मुहिम मेरा पहला वोट देश के लिए चलाई जा रही है। इस पहलकदमी का मुख मंत्र खास तौर पर नौजवान वोटरां नू वोट पाउण लई उत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लोगों नू पहली बार वोट पाउण वाले वोटरां विच मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम बारे संदेश फैलाउण दी अपील की है। इस नू लैके नौजवानों विच उत्साह है। कथक नृतिका उमा दीक्षित ने ब्याज दरिया के कंडे मेरा पहला वोट देश के लिए गीते अपने मनमोहक पेशकारी राही देश भर के पहले बार वोटरों को अपनी वोट पाने की अपील की।
मानसा जिले के पिंड कुलरिया के जमपाल जगदीश राय को भारतीय साहित्य अकादमी दिल्ली वालों साल 2023 के अनुवाद पुरस्कार लिए चुनिया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार हिंदी के प्रसिद्ध नावल दुलारा बेगम के पंजाबी भाषा अनुवाद लिए दिता जाएगा। जगदीश राय तकरीबन 2.5 दहाकों तो ज़्यादा समय तो साहित्य सरगर्मियों जुड़े हुए हैं। खबरों के बुलेटिन सारे दर्शक आर एन यूडीडी के जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी देख सकते हैं। इस खबरों का बुलेटिन खत्म होता है, इजाजत दियो, नमस्कार।